आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है टॉप 10 खबरों का, चलिए निगाह डाल लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। 5 सीटों से कम मंजूरी नहीं, यूपी उपचुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने सपा को दिखाए तेवर। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में 2 मजदूरों की मौत पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जताया दुख। बिहार में 22 आईएएस अधिकारियों का तबादला, कई विभाग के सचिव बदले गए। कांग्रेस में एमपी की 2 सीटों पर और असम की 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों का किया ऐलान। उन्नाव में नाले की खुदाई के दौरान मिट्टी धस गई, जिसमें 2 मजदूरों की दबकर मौत हो गई। न्यूजीलैंड में पहली बार जीता महिला T20 वर्ल्ड कप, साउथ अफ्रीका को हराया। जम्मू कश्मीर में गांदरबल आतंकी हमले पर गृह मंत्री ने जताया दुख, बोले हमले में शातिर लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के रीवा हवाई अड्डे का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में बेहद खराब स्तर तक पहुंचा प्रदूषण, कई इलाकों में AQI 200 के पार। बहराइच में बुलडोजर कार्यवाही के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज हो सकती है सुनवाई। फिलहाल इन टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।